देखिए, जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं तो एकदम आप सादा कागज की तरह होते हैं और उस सादे कागज पे रंगोली बनाना होता है और ऐसा रंगोली जो आपके परिश्रम के बल पर बनता है। कुछ लोग होते हैं जब आप किसी भी कोचिंग या संस्था में जाएंगे तो व्यक्ति ये कही है, लेकिन सोच दो तरह के हो जाता है। एक तो व्यवस्थाओं को देखने लगता है व्यक्ति, क्या व्यवस्था है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये काम इस तरह होता तो बेहतर होता, इस तरह की सोचने में टाइम व्यर्थ कर लेता है। कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि अपनी मजबूरियों को सामने रख करके पढ़ाई में कोताही करने लगता है, जिससे सफलता में थोड़ा सा बाधा आ सकता है या देर हो सकता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कोचिंग या संस्था जाने से पहले विचार करते हैं, और विचार करने के बाद जो कोई भी कोचिंग हो उसमें जाने के बाद अपने आप को समर्पण कर देते हैं और सोचते हैं, वो कहते हैं कि जो सर जो बात कहेंगे हम भी वही बात कहेंगे, यदि सर दिन को रात कहेंगे तो हम भी दिन को रात कहेंगे। आत्मसमर्पण के साथ जब बच्चा किसी भी संस्था में जाता है तो एक टीचर का भी दायित्व बन जाता है, जिम्मेदारी बन जाता है कि कोई भी कार्य ईमानदारी से करें। जो कि आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। कब दो बज जाता है, सर भूगोल पढ़ाते हैं चाहे जो भी विज्ञान चाहे जो भी चीजें पढ़ाते हैं, कब दो बज जाता है, कब किसी दिन, कई बार ऐसा हुआ है कि हम देखे हैं कि ये सोते ही नहीं पढ़ाने के लिए, ताकि जिन बच्चों का लाइफ हाथों में आया है तो उनके साथ कहीं गलत ना हो, सभी कोचिंग से कहीं कमजोर ना हो जाए हम लोग के बच्चे, इस बात को ध्यान में रखते हुए मेहनत किया जाता है। अब देखिए, जब आप आगे बढ़ने के उम्र में होते हैं तो तरह तरह की समस्याएं आती हैं। कुछ समस्या स्वाभाविक से आ जाती है और कुछ समस्या जानबूझकर लोग ला लेते हैं, जिन्हें आकर्षण टाइप, जैसे आप बड़े होंगे आगे बढ़िया क्षेत्र में जाएंगे तो आकर्षकता जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ता है। यदि आप मानव है तो अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षकता आना एक स्वाभाविक है, उसमें बहुत से लोग बढ़ जाते हैं और उसमें बढ़कर भी बहुत लोग बेहतर कर लेते हैं और कुछ लोग उसी में घुले मिले रह जाते हैं, अपने माता पिता के सपने को और अपनी हकीकत के बारे में सोच नहीं पाते, जिनको आगे चलकर भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखते हुए ये सोचना है कि आप लोगों के कंधे पे पूरे खानदान का, पूरे गांव का और पूरे घर परिवार का जिम्मेदारी है। तो क्या आप अपने खानदान के नाम को रोशन करना चाहते हैं या बेकार करना चाहते हैं, ये आप ही तय करने वाले हैं। दुनिया में नॉर्मल जो लोग हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे, उस व्यक्ति के पास दिया जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी नहीं हुआ करता था। जब उसकी माँ खाना बनाती थी तो वो जो चूल्हे के पास आग निकलता है उसकी रोशनी में पढ़ करके अब ऐसा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस एक सोच होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, दिल में आग रहना चाहिए। जिसके पास इस तरह की भावना आती है, सोच